आकाशवाणी राजकोट प्रस्तुत छे रेडियो रूपक श्रेणी जय सोमनाथ जय गिरनार। जय सोमनाथ जय गिरनार। मूल गुजराती कृतिना लेखक अशोक शर्मा, हिंदी अनुवाद एसपी शर्मा, निर्माण सहाय संकलन अनुसूत्रधार राजू याज्ञिक, निर्माण डॉक्टर गीता हीरा। जय सोमनाथ जय गिरनार। परिकल्पन धीरज गोसाई, परामर्श भगवान मिहिर चंदानी। जय सोमनाथ जय गिरनार। આ શિક્ષાનો આજે સાંભળીએ અંતિમ મણકો। ભાગ લેનાર કલાકારો સુભાષ દેસાઈ, મંગલ જોશી, ધીરજ ગોસાઈ, ગીતા કીરા, વિપુલ બુચ, પરેશ વર્ગામા, ધવલ ધોળકિયા અને રાજુ યાજ્ઞિક। मैं गिरनार, उत्तुंग और तप के तेज से प्रज्वलित, मारो समाधि में मस्त योगीराज। मैं अपने इस गिरिकंदरा में हजारों ऋषि मुनियों की तपस्या के तप और अनेकों सतियों के सत को संभाल कर बैठा हूं। मैं गिरनार, पिछले 5000 वर्षों की गाथा का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया। मैंने इस गाथा को अपने आसपास फूलों की खुशबू की तरह महसूस किया है। सोमेश्वर महादेव और मेरा इतिहास धन्वंतरी के अमृत कुंभ समान है। इनमें औषधियों का सम्मिश्रण भी है, जिसमें इतिहास के साथ साथ धर्म तथा जीवन दर्शन की जड़ी बूटियां सम्मिलित है। राष्ट्र निर्माण की शक्ति प्रदान करने की क्षमता भी है। इस महान ज्योतिर्धाम का इतिहास जन साधारण को आत्मसात कराने का मेरा उद्देश्य है। हमारी अस्मिता को उजागर करने का आशय भी है। यत्र गंगा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वरो देवः तत्र मामृतं कृधि इन्द्रायेन्दो परिस्रव। अब तक मैंने आपको प्रभास क्षेत्र तथा सौराष्ट्र का इतिहास बताया। मुझे पुनः याद आ रहा है सरदार साहब का संकल्प। सोमनाथ लोकनाथ है, इसलिए न्याय मंदिर का निर्माण जनता करेगी। हम सबको साथ मिलके इस काम को करना है। प्रभास तो ऋषियों और संतों की भूमि है, ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म की भूमि है। हजारों वर्षों से लाखों भारतीयों की आस्था का केंद्र है सोमनाथ। यहां अनेक लुटेरे आए और गए, परंतु श्रद्धावान भारतीयों ने हर बार नया मंदिर बनाया। हमारा समाज निर्माण में विश्वास रखता है, खंडन में नहीं। अब जब हमारा देश आजाद हुआ है, तब हम सब एक बने, नेक बने। चलिए सब मिलकर एक महान और संगठित राष्ट्र का निर्माण करें, जिससे फिर कोई लुटेरा या विघटनकारी इस तरफ देखने की हिम्मत न करे। आओ सब मिलकर बोले जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय हिंद।
सरस्वती समुद्रश्च सोमे सोम ग्रहस्तथा दर्शनं सोमनाथस्य सकारा पंच दुर्लभा सकारा पंच दुर्लभा। सोमनाथ मंदिर के आदि निर्माता चंद्रदेव को दक्ष का शाप तथा शाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना मैं कैसे भूल सकता हूँ। चंद्र जी, रोहिणी के प्रति आपके पक्षपात से मेरी बाकी कन्याएं दुखी हैं। मेरी प्रतिज्ञा का भंग करने पर उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा इसी वक्त। जिस रूप और लावण्य पर आपको गर्व है वह लुप्त हो, आपका क्षय हो। नहीं, ये मेरा शाप है। नहीं महाराज, नहीं, क्षमा कीजिए भगवान। मेरे अभिशाप का विमोचन मात्र सदाशिव कर सकते हैं जी। आप प्रभास क्षेत्र में जाइए, समुद्र में नित्य स्नान करके शिवोपासना कीजिए। 10 करोड़ महामृत्युंजय के अनुष्ठान से आप अभिशाप मुक्त होंगे। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वामन स्थली या वंथली में घटी भगवान वामन तथा बलि की कथा मानो मेरी ही गोदी में घटी थी। भगवान वामन, मैं हाथ जोड़कर संकल्प करता हूं। लीजिए प्रभु मेरा संकल्प। महाराज बलि, आपका यश अमर रहेगा। आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं। वरदान मांगिए। आपके दर्शन से मुझे मुक्ति मिल गई भगवान। मुझे आपका नित्य साहचर्य मिले, इतनी कृपा कीजिए भगवान। तथास्तु वत्स, आपका पाताल में निवास होगा और आपको मेरा नित्य सानिध्य मिलता रहेगा। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकला वसंतम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम् तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। मेरी तलेटी में मुचकुंद की गुफा की ओर देखता हूँ तो काल यवन तथा श्री कृष्ण की लीला को मैं तादृश महसूस करता हूँ। धन्य महाराज मुचकुंद, धन्य। देवासुर संग्राम की विश्रांति बहुत लंबी चली और आपको जगाए भी कौन? जो जगाए वह मरे, इसलिए इस मूर्ख यवन को लेकर आया। मुझे लगता है कि कृष्ण अवतार हो गया। देवासुर संग्राम के बाद मेरी सेवा से संतुष्ट हुए देवों ने मुझे दीर्घ निद्रा का वरदान दिया था और यह निद्रा अनेक युगों के बाद आपके दर्शन से समाप्त होगी ऐसा भी कहा था। पूर्ण पुरुषोत्तम के साक्षात दर्शन से मैं धन्य हुआ भगवान। मुझे उत्तम गति दीजिए प्रभु। आपका कल्याण हो, धर्म की जय हो।
तीर्थंकर नेमिनाथ की अहिंसा और वैराग्य को मैं आज भी भूल नहीं पाता। कुमार, मैंने आपको वरमाला पहनाए हैं, मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। आर्य कन्या मात्र एक ही बार वरमाला पहनाती है, तनिक मेरा तो विचार कीजिए प्रभु। राजुलमती, खड़े हो जाइए। प्रभु, शांत हो देवी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं विरक्त हुआ हूँ। प्रभु, मेरे ही निमित्त हुई इस भयानक जीव हिंसा ने मेरे अंतरकरण को खोल दिया है। अब तो शेष आयु को इस गौरवशाली गिरनार की गोद में तप करके गलाना है। जिन इंद्रियों के उपभोग के लिए यह हत्याकांड हुआ है, उन्हें तपस्या के बल पर जीतना चाहता हूं। परमात्मा आपका कल्याण करे, मैं चलता हूं। खड़े रहिए भगवान, आपके बिना मेरा संसार तो असार है। परम कल्याण के मार्ग पर आपका अनुसरण करने की मुझे आज्ञा दीजिए नाथ, आज्ञा दीजिए। पार्थी के हाथों योगेश्वर श्री कृष्ण की देह उत्सर्ग की घटना भी कर्मयोग का दर्शन करा दी है। अपराध हो गया। तू निरपराध है, शांत हो। तूने मेरी ही इच्छा पूर्ण की है वत्स। पिछले जन्म में तू बाली था और मैं दशरथ पुत्र राम। उस समय मेरे भक्त सुग्रीव का पक्ष लेकर मैंने तेरा वध किया था। ऐसा? आज उसका प्रतिशोध लिया जा चुका है। पुत्रों के शोक में तप्त माँ गांधारी के अभिशाप को भी सार्थक करना पड़ेगा ना। लेकिन प्रभु, मेरे महाप्रस्थान का समय आ पहुंचा है, उसमें तू तो निमित्त मात्र है पुत्र। गीता का उपदेश भूल गया वत्स? मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो सदैव यहां आप सबके बीच ही बसता हूं। बस यहां ही इस हिरण नदी के पावन जल में ही यही मेरा गोलोक धाम है। जहां सत्य है, प्रेम है और करुणा है, वहां मेरा नित्य निवास है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मेरा आविर्भाव होगा। धर्म के उद्धार और सज्जनों के परित्राण के लिए मैं आता रहूंगा। आर्यत्व की यह अमृत धारा कभी नहीं सूखेगी। जब कोई मनुष्य धर्म की वेदी पर, न्याय के आसन पर बैठकर सत्य का सुदर्शन धारण करेगा, तब तब मेरा आविर्भाव होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने मेरी तलहटी में अशोक का शिलालेख तो देखा होगा। वह पिछले 2000 वर्षों से यहां सुरक्षित खड़ा है। महाराज की जय हो प्रभु। सौराष्ट्र की जनता को महाराजाधिराज का क्या संदेश है प्रभु? गिरिनगर में योग्य स्थल में एक विशाल शिला पर हमारी धर्म आज्ञा अंकित करवाई जाए। जी महाराज। जनता हिंसा से दूर रहे, रुग्णालयों में रोगियों का उपचार हो, ब्राह्मण और बौद्ध श्रमणों का समान सत्कार हो, प्रजा जीवन संयमी बने, एकताबद्ध बने, अधिकारीगण माताओं और यात्रिकों के प्रति करुणा दृष्टि रखे तथा धर्म महालाभ तथागत भगवान के उपदेश का निरंतर प्रचार करे, अहिंसा, करुणा और समता के आदर्शों का प्रवर्तन हो,
साम्राज्य के प्रत्येक प्रांत में इन धार्मिक आज्ञा का पालन हो। मैंने भारतीय दर्शन में आदर्श और व्यवहार की जो बातें बताई वो तो याद होगी आपको। मैं आपको पुनः याद दिलाता हूं महर्षि कणाद और शिष्यों के संवाद को। अब आप दोनों एक ही दिशा में आपके संपूर्ण बल का उपयोग करके बाण को छोड़ेंगे, ठीक है? जी गुरु। गुरुदेव, अक्षय का तीर आरुणि के तीर से बहुत अधिक दूर गया है, सही है ना गुरुजी? बल और गति परस्पर सप्रमाण होते हैं जी। उसका यह प्रतिपादन है। पुत्र आरुणि, तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है, गति के तीसरे सिद्धांत को याद करेंगे क्या? वेगः संयोग विशेष विरोधी। तात्पर्य यह है कि बल के प्रयोग की दिशा और गति की दिशा परस्पर विरोधी होती है। धन्यवाद गुरुजी। चलिए अब सब शांति पाठ करें। जी गुरुदेव। ओम सहनावतु, मेरी तलटी में सुदर्शन सरोवर को यदि आपने न देखा हो तो जूनागढ़ आइए। भवनाथ तलटी में आज भी मौजूद है सुदर्शन तालाब। शक क्षत्रप रुद्रदामन की प्रजावत्सलता का प्रमाण है सुदर्शन सरोवर। ऐसे ही एक विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान दत्तात्रेय विराजमान रहते थे। भगवान दत्तात्रेय ध्यान में बैठे थे। गुणातीत महर्षि अभी और ईर्ष्या मुक्त माता अनसुया के वात्सल्य कुंज में प्रकटित विभूति अर्थात दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव का एकत्व मूर्त रूप अर्थात दत्तात्रेय, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण रूप परमात्मा का प्रतिबिंब। मेरे इस पावन धरा में भगवान दत्त का आगमन मेरा सवया गौरव है। तो चलिए एक क्षण के लिए आंख मूंद कर भगवान दत्त का स्मरण करें और अलख जगाए। अलख निरंजन, अलख निरंजन। आदेश। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अलख निरंजन वत्स, प्रज्ञावान भव। गुरुदेव, आदेश। आप तो समर्थ योगी हैं, आपका नाम ही गोरक्ष अर्थात इंद्रियों का रक्षक, आपको क्या आदेश दिया जाए? भगवान, मैं तो मात्र रमता जोगी हूं और आप तो अवधूतेश्वर हैं, फिर भी इस प्रकृति का मंथन करके उत्तम बोध लेते रहते हैं। आप अपने अनुभवों के भंडार में से एक अंजलि मेरे हिस्से में भी डाल दीजिए गुरुदेव। अलख निरंजन वत्स, यह समग्र ब्रह्मांड परम पिता का रमणांगन है, उसकी प्रत्येक कृति में एक बोध है, प्रत्येक क्रिया में एक लय है, उसके प्रत्येक सृजन में एक लय है और प्रत्येक विसर्जन में एक तांडव है। पुत्र, कीट भ्रमर योग का चिंतन कीजिए। भवरी का चिंतन करते करते कीड़ा स्वयं भवरी हो जाता है। परमात्मा की इस दिव्य लीला का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और उसी में चित्त मिला लीजिए। जब चित्त का लय होगा तब अंतर्गा उठेगा, अहम ब्रह्मास्मि। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। भगवान, आज मेरी रेवता चल की यात्रा सफल हुई और आपका दिया हुआ ज्ञान अमर रहेगा, युगों युगों तक जन समुदाय को
चेतना प्रदान करता रहेगा। अलख निरंजन, जय गिरनारी, अलख निरंजन, आदेश, अलख निरंजन। मेरी तलहटी में बसे दामोदर कुंड और दामोदर मंदिर तथा ये सोनरेख नदी साक्षी है मेरे द्वारा किए जा रहे वर्णन के। सोनरेख नदी में कितना पानी बहा, मानो इतिहास बह गया। गुप्त वंश के लंपट चक्राज हो या मैत्रक वंश के महाराज रानवगण, सोमनाथ महादेव के पावन सान्निध्य में बात बताता हुआ मैं ईसा की चौथी शताब्दी तक पहुंच गया हूं। ईसा की चौथी शताब्दी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तत्पश्चात समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी सम्राटों ने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त का युवराज रामगुप्त कमजोर था। शकों से पराजित होकर घबराकर उन्होंने अपनी पत्नी ध्रुवा देवी को शकराज को सौंपने की सहमति प्रदान की। आज भी मेरे नजर के सामने शकराज की युद्ध छावनी का दृश्य है। विजय उत्सव का नाद सुनाई देता है। इसी क्षण एक घूंघट वाली स्त्री को लेकर सैनिक प्रवेश करते हैं। तुम ध्रुवा मेरे हृदय के स्वामी हो। अरे तुझे पानी के लिए मैंने कितना युद्ध किया। घूंघट वाली स्त्री धीरे से नजदीक आती है। शकराज धीरे धीरे उसका घूंघट ऊंचा करता है और अचानक ही चमक कर पीछे हट जाता है और उसका हाथ तलवार पर जाता है। चंद्रगुप्त, इस तरह स्त्री का वेश धारण कर क्यों आया है? तेरे बड़े भाई रामगुप्त की तरह जीवन की भीख मांगने आया है क्या? व्यभिचारी शकराज, गुप्त वंश के शौर्य का सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है। गुप्त वंश की कुलवधू महारानी ध्रुवा देवी की परछाई को छूने की भी तेरे अंदर योग्यता नहीं है। और रही युद्ध में विजय की बात, तो अभी संग्राम शुरू ही कहां हुआ है? जय हो, जय हो, गुप्त कुलभूषण परलोक वंजन महाराज चंद्रगुप्त के। याद आता है रानवगण, विवश और पराधीन, मृत्युशैया पर पड़े हुए रानवगण के चारों ओर उनकी महारानी और तीन पुत्र रायगण, शेरगण और चंद्रचूड़ बैठे हुए हैं। कक्ष के एक कोने में तीन ब्राह्मण महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। वैद्यराज रानवगण के ललाट पर औषधि का लेप कर रहे हैं। महारानी, शांत रहिए महाराज, शांत रहिए। सोमनाथ भगवान का स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। खिंगार, मेरे पास अधिक समय नहीं है। सुमैया दादा का बुलावा आ गया है, लेकिन ये प्राण है कि देह से छूटते नहीं, यानी मेरे चार प्राण अभी अधूरे हैं। जसदण के निकट तहखाने का किला अभी नष्ट नहीं किया गया। भई तट का हंसराज अभी भी जिंदा है और पाटन का दरवाजा तोड़कर सग्रह जयसिंह की नाक काटने अभी शेष है। मेरे इस प्रण को पूर्ण करने हेतु
जो वचन दे उसे मैं जूनागढ़ की गद्दी सौंपकर निश्चिंत होकर मरना चाहता हूं। पिताजी, सोमैया की साक्षी में मैं आपके समक्ष संकल्प करता हूं कि आपके चारों प्रण एक हंगार पूर्ण करेगा और उसके बाद ही शांति से बैठूंगा। और इस तरह खेंगार ने पिता के प्रण का पालन करने हेतु वचन दिया। अपमान से क्रुद्ध होकर गुर्जर नरेश सिद्धराज जयसी ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया। मेरी नजर के सामने सिद्धराज जयसी की युद्ध छावनी का दृश्य है। महामात्य की महाराज, जूनागढ़ में लड़ाई बहुत लंबी चले यह अच्छा नहीं होगा। सही है महाराज, एक तो जूनागढ़ का अभेद किला, सोरठी वीरों की सुरक्षा और उस पर खेंगार जैसा योद्धा, इनसे युद्ध करना भारी तो पड़ेगा ही। परंतु महाराज, हमने बहुत बर्बादी झेली है, अब सैनिक उब चुके हैं। महामात्य मुंजाल जी जी, जूनागढ़ के दरवाजे किसी तरह से खुलवाए जाए, हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए, कुछ उपाय तो बताइए। जी महाराज, एक उपाय है जी, खेंगार के भांजे देशल और विशल जी बहुत ही महत्वाकांक्षी है, यदि उन्हें जूनागढ़ की गद्दी का प्रलोभन दें जी तो कुछ रास्ता खुल सकता है जी। लेकिन महामात्य जी, देशल और विशल जैसे अयोग्य व्यक्तियों को जूनागढ़ की राजगद्दी? त्रिभुवन पाल जी, मेहता जी गद्दी का लालच देने की बात कहते हैं, गद्दी नहीं, सही है ना मेहता जी? कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्राचार्य की प्रेरणा से महाराज कुमार पाल द्वारा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प तो आपको याद ही होगा। भगवती सरस्वती के जल की अंजलि लेकर मैं संकल्प करता हूं कि सोमनाथ मंदिर और प्रभास क्षेत्र का पुनर्निर्माण करूंगा। बस इसी पल से इस कार्य का आरंभ हुआ ही समझो। राजन, अरहंत कहें या महेश्वर, परम शक्ति तो एक ही है। सत्य, अहिंसा और करुणा सभी धर्मों का सार है। भगवान सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुनःस्थापना के हमारे इस संयुक्त संकल्प से अरहंत और शैव परंपरा के सामंजस्य का नया युग शुरू होगा। यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्य मिदया यदा तदा वेतदोष कृशा सचेद् भवान् एक एव भगवन् नमोऽस्तुते एक एव। लेकिन सदियों तक सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण नहीं हुआ। सिद्धपुर पाटन जो गुजरात की राजधानी थी, वहां कुमारपाल के पश्चात कोई बलवान राजा नहीं हुआ। इस और जूनागढ़ में भी कमजोर अनुगामी आदर है। दिल्ली की सल्तनत और गुजरात के सूबों का प्रभाव बदलता रहा। सोमनाथ के भव्य मंदिर और देवस्थानों के खंडन की प्रवृत्तियां चलती रही। मैं मंडन और खंडन के इस अविरत परंपरा को करुणापूर्ण दृष्टि से देखता रहा, मन ही मन पीड़ित भी होता रहा। जबकि मेरी तलहटी में ऐसे नररत्न भी है जिनके दर्शन से मेरी पीड़ा हल्की हुई है। आप जान गए ना मैं किसकी बात करता हूं। हरे हरे महाराज, जय श्री कृष्ण, मुझे आपने याद किया। हाँ मेहता जी, आपके विरुद्ध आरोप है, आप मेरी विद्या से जूनागढ़ की जनता को भ्रमित करते हो। आपको दामोदर भी साक्षात है,
ऐसा दावा करते हो? आपको इस सभा में परीक्षा देनी पड़ेगी मेहता जी। कल प्रातः काल से पूर्व यदि दामोदर आपको हार पहनाए तो हम मानेंगे कि आप सच्चे भक्त हो, अन्यथा आपको कठोर राजदंड दिया जाएगा। हरी हरी, महाराज मेरे अपराध के लिए आपने प्रभु की परीक्षा की योजना की, जैसी मेरे नाथ की इच्छा। भले ही मेरा स्वरूप स्थूल हो, लेकिन मातृभूमि के गौरव के लिए लड़ने वाले प्रत्येक वीर के लिए मेरा मस्तक नमन करने के लिए अवश्य झुकता है। अच्छा हुआ आप आए बापू, राजवंशी लगते हैं। इस बिहड़ वन में इस समय किस ओर जा रहे हैं? जी मैं हमीर जी लाठी का गोहिल हूँ। सुना है कि सुमैया दादा के स्थानक पर बेगड़ा ने आक्रमण किया है, इसलिए मैं और मेरे साथी धर्म के लिए मर मिटने को चल पड़े हैं। गोहिलों का नाम उज्जवल किया है बापू, हम सब भील भाई भी धनुष बाण लेकर आपके साथ उस मलेच्छ के छक्के छुड़ाने के लिए साथ चलेंगे। भीलराज बेगड़ा जी की कन्या और हमीर जी की एक दिन की शादी सोमनाथ जी के इतिहास के साथ जुड़ गई, और दूसरे ही दिन हमीर जी और बेगड़ा जी सोमैया की सुरक्षा के लिए चल पड़े। जानते थे कि युद्ध में मरना ही है, फिर भी वीरों के कदम नहीं दिखे। हमीर जी और बेगड़ा जी का यह वीरता भरा युद्ध भारतीय समाज की मूलभूत समरसता और अडिग धर्मनिष्ठा का अमूल्य प्रतीक है। आइए संस्कृति के स्वाभिमान के लिए शहादत को प्राप्त प्रत्येक बलिदान का सत्कार करें। अरे रे तू तो सखाते सोमैया तणी, पण हवे हरे रे तू तो भालानी नड़िये भीमाऊ। अब तक मैंने आपको सोमनाथ और मुझसे जुड़ी हुई कई पौराणिक और ऐतिहासिक बातें बताई, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ उस वक्त की बात जिसका पूरे राष्ट्र को कई सालों से बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था, यानी गुलामी से आजाद होने के दिन की बात। Long years ago, we made a tryst with destiny. Now, the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. एक ओर समग्र राष्ट्र स्वतंत्रता के विचारों से नवपल्लवित हो रहा था, और यहां मेरी तलहटी में जूनागढ़ में अंतिम बाबी शासक मोहम्मद खान ने कुछ दूसरा ही खेल शुरू किया। जब 1947 की 15वीं अगस्त को भारत आजाद हुआ, तब नवाब ने पाकिस्तान से जुड़ने की घोषणा की, जिसके कारण जनता में उग्र रोष प्रज्वलित हुआ और आरजी हुकूमत का प्रारंभ हुआ।
भाइयों और बहनों, जूनागढ़ की जनता की विजय हुई है। नवाब पाकिस्तान भाग गया है। आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ को जीत लिया है और आज से चार दिवस पूर्व अर्थात 9 नवंबर को भारत की मिलिट्री ने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया है। आज जूनागढ़ की विजय का स्वागत करते हैं हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब भी आ रहे हैं। मैं सरदार साहब से निवेदन करता हूं कि आज इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए आशीर्वचन दे। भारत माता की जय। सरदार पटेल अमर रहो। सरदार पटेल अमर रहो। भाइयों और बहनों, अब नवाबी शासन गया, नेताओं और राजाओं की जय बोलने का मौसम अब पूरा हो गया है। अब हम सब एक स्वतंत्र और लोकशाही राष्ट्र के नागरिक हैं। मैं जूनागढ़ की जनता को और आरजी हुकूमत के योद्धाओं का अभिवादन करता हूं और मैं जानता हूं कि यह जूनागढ़ की जनता की विजय है। आज जूनागढ़ अखंड भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। मैं भारत सरकार की ओर से जूनागढ़ की जनता को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विश्वास दिलाने आया हूं। आज के इस शुभ अवसर पर हम सब साथ मिलकर एक समृद्ध और प्रबल राष्ट्र का निर्माण करने का संकल्प करें। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता के जय। सरदार पटेल अमर रहो। सरदार पटेल अमर रहो। मैं गिरनार उत्तुंग और तप के तेज से प्रज्वलित मानव समाधि में मस्त योगी राज, मैं अपने इस गिरिकंदरा में हजारों ऋषि मुनियों की तपस्या के तप और अनेकों सदियों के सत को संभाल कर बैठा हूं। इनमें से कुछ ऋषि मुनियों के तप तथा सदियों के सत का बयान मैंने आपके सम्मुख किया है। लाखों करोड़ों वर्षों से यह परंपरा मैं देख रहा हूं। मैं और सोमेश्वर महादेव का मंदिर, हम दोनों इन बातों के साक्षी रहे हैं। भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परंपरा को हम कैसे भूल पाए। इन वेदांत परंपरा का अमर कोश है प्रभास क्षेत्र तथा सोमनाथ मंदिर। सौराष्ट्रे सोमनाथम् च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ये तो था सोमनाथ के उद्भव, विकास एवं वर्तमान में चल रही गतिविधियों का 14 कड़ियों में संक्षिप्त इतिहास। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, हमारी भावनाएं इस मंदिर से, इस तीर्थ स्थान से जुड़ी रहेगी, तो भविष्य में नया इतिहास अपने आप बनता रहेगा। हमारे इस सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली कई पीढ़ियां एक दूसरे को यहाँ का इतिहास सुनाकर पुलकित होती रहेगी और हम अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक जड़ों को और गहरा होते हुए महसूस करेंगे। आज इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ।
आप सांभिया था रेडियो रूपक श्रेणी जय सोमनाथ जय गिरनार। मूल गुजराती कृति ना लेखक अशोक शर्मा, हिंदी अनुवाद एसपी शर्मा, निर्माण सहाय संकलन अने सूत्रधार राजू याग्निक, निर्माण डॉक्टर गीता गीडा। जय सोमनाथ जय गिरनार। परिकल्पन धीरज गोसाई, परामर्श भगवान मिहिर चंदानी। जय सोमनाथ जय गिरनार। आज श्रृंखला नो अंतिम 15 मड़को आप सभी रहा था। भाग ले रहा कलाकारों सुभाष देसाई, मंगल जोशी, धीरज गोसाई, गीता गीड़ा, पीपुल बुच, परेश वड़गामा, धवल धोड़किया अने राजू याग्निक। जय सोमनाथ जय गिरनार प्रसारण आकाशवाणी ना राजकोट केंद्र थी करवामां आव्युं।